नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंदीदा चैनल TV29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। न्यू अशोकनगर निगम पार्षद रजनी पांडे ने ऑफिस पर डॉक्टर महेश शर्मा का एक कार्यकर्ता मीटिंग में शामिल हुए महेश शर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ता आपसी मतभेद भूलकर मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए एवं गौतम गंभीर को पूर्वी दिल्ली से जिताकर संसद भेजना चाहिए। दिल्ली से शशिकांत पाल की रिपोर्ट। आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, उसके संगठनकर्ता के रूप में अमित शाह जैसा संगठनकर्ता और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व तो हमारे साथ है। हमारे सामने जो भी पार्टियां खड़ी हैं, वो चाहे कोई भी हो, कोई 7 सीटों पर लड़ रहा है, कोई 30 सीटों पर लड़ रहा है, कोई 100 सीटों पर लड़ रहा है, सब सोच रहे हैं देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की बात करें तो होर्डिंग लगे हुए हैं कि दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे साहब। कोई भी पार्लियामेंट में एक्ट पास होने के लिए 272 वोट चाहिए। 7 सीटों पर तो ये खुद लड़ रहे हैं और पिछला 5 साल का इनका इतिहास जो रहा है वो आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, एक एक कार्यकर्ता भाई गौतम गंभीर एक साफ छवि के खिलाड़ी रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने उन्हें स्वीकार किया है, ईमानदार हैं, पार्टी को कुछ देने आए हैं, समाज को कुछ देने आए हैं, देश को कुछ देने आए हैं। आज सब लोग अपने सब छोटे मोटे भेदभाव भूल जाना, हमारा सामने हमारा अर्जुन की आंख नरेंद्र मोदी है। वोट परसेंटेज, ये अशोक नगर तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। आप लोग मेरे चुनाव में भी बहुत मदद करते हैं। मैं चाहूँगा कि कल सब लोग मिलकर अपनी योजनाएं बनाकर आज शाम तक अपनी योजनाएं और खास तौर पर जो हमारे पुराने कार्यकर्ता कहीं रह गए उनको जरूर ढूंढेंगे और उनके घर तक जाएंगे, उनको मीटिंगों में लाएंगे, उनको चुनाव प्रक्रिया में जोड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, रजनी हमारी बहन पार्षद है, इनके मान सम्मान की लड़ाई है। अगर इस वार्ड से अगर वोट हमें कम मिलते हैं या दूसरी पार्टी को मिलते हैं, ये बहन रजनी की भाई बबलू पांडे जी का सम्मान भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पर है। तो हम सब लोग मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और गौतम गंभीर को विजयी बनाकर नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे नोएडा इनका क्षेत्र है, उसी तरह से न्यू अशोक मंडल भी इनका क्षेत्र है और हमेशा ये अपना आशीर्वाद इस मंडल को देते रहते हैं और इनके आशीर्वाद से हमें बहुत बड़ा वोटरों को भी सभी को बड़ा फायदा मिलता है। तो मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा 2 शब्द बोल के हमें अपना आशीर्वाद दें। अगले 5 वर्षों तक देश की बागडोर किस नेता के हाथ में रहे उसका चुनाव, इस चुनाव से देश का भविष्य तय होने जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठनकर्ता के रूप में अमित शाह जी और उनके प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं वो उनका कद इतना छोटा है, उनका इतिहास इतना धूमिल है। मैं समझता हूँ आज देश की जनता, क्षेत्र की जनता नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाकर विकास के मार्ग पर धर्म जाति बिरादरी की सीमा रेखाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण का, नए भारत के निर्माण का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उस सपने को साकार करने के लिए मन बना चुकी है। और भाई गौतम गंभीर जी जो स्वयं एक खिलाड़ी रहे हैं, कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, समाज को देश को कुछ देने आए हैं राजनीति के माध्यम से, मैं समझता हूं कि क्षेत्र की जनता गौतम गंभीर जी को जिताकर नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त करेगी। आज हमारे बीच में आए हमारे बड़े भाई डॉक्टर महेश शर्मा जी और यहां सभी आए, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, सभी को मेरा नमस्कार।
और आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब आए हैं, उनका बहुत बहुत मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं आपसे यही कहती हूँ कि हमें जब मेरा भी चुनाव था तब मुझे भाई साहब का बहुत सहयोग मिला और 3-4 दिन मेरे साथ पूरा प्रचार किया और काफ़ी सहयोग किया। और आज लोकसभा का भी चुनाव है, उसकी भी तैयारी करने आज आए हैं और उनके ऊपर भी इस चुनाव की जिम्मेदारी है। तो इस हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं और कोई भी काम हो, किसी भी काम के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया। हमेशा वो 24 घंटे जनता के साथ खड़े रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा वो हम सहयोग करते हैं। और हम भी कभी किसी कार्यकर्ता को अगर भाई साहब से मिलने भेजते हैं या कुछ काम होता है तो तुरंत उनका काम हमेशा बहुत ईमानदारी से हमेशा करते हैं और उनका हमेशा सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ही हमें अपना मार्गदर्शन देते रहें और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग करते रहें। बहुत बहुत